हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद नसरा नवाब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी पालक पिज्जा रेसिपी। घर पे ही बनाएंगे बिना ओवन के तवे पे। सारी सामग्री आपको घर पे ही मिल जाएगी। अगर आप चीज़ भी घर पे बनाना चाहते हैं तो कमेंट करें चीज़। बिना कोई केमिकल यूज़ किए इस चीज़ को मैंने घर पे ही तैयार किया था, तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए पहले लाइक करें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे रेसिपी। पालक पिज्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पालक लेंगे और पालक के जो पीले वाले पत्ते होते हैं उन्हें हटा देंगे। पालक की पत्तियों को जड़ के पास से काटने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और एक जार लेंगे। जार में पूरे पालक के पत्तों को डालेंगे। अभी पानी ऐड नहीं करेंगे, एक बार पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद फिर से एक बार ब्लेंड करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पालक की प्यूरी तैयार हो गई है। फिर एक कढ़ाई लेंगे और मेजरिंग कप से एक कप पानी डालेंगे। पानी जैसे ही बॉईल होना स्टार्ट होगा उसमें आधा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, आधा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और एक मिर्ची को बारीक काट के डालेंगे। मिक्स करेंगे और पालक की प्यूरी जो हमने तैयार करके रखा था वो ऐड करेंगे। फिर से एक बार मिक्स करेंगे और बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉईल आना स्टार्ट होगा जिस कप से हमने पानी लिया था उसी कप से सूजी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कोई मेजरिंग कप नहीं है तो जिस भी कप या कटोरी से आप पानी लेंगे उसी कप या कटोरी से आपको सूजी भी ऐड करना है। मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा इसके बड़े साइज के ग्लोई बना लेंगे। प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और सूखे आटे को अच्छी तरह से हर तरफ लगा लेंगे और उसके बाद हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और फिर बेलन से इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। जितना भी मोटा या पतला आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसे बेल लीजिएगा। मुझे थोड़ा थिक अच्छा लगता है बेस, इसलिए मैंने थोड़ा थिक रखा है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा आपका तवा है उतना ही बड़ा आपका पिज़्ज़ा बेस भी हो। बेलने के बाद आप देखेंगे कि किनारे हल्के हल्के फट चुके हैं, उन्हें उंगली से इस तरह से चिकना कर लीजिएगा या हल्का हल्का प्रेस कर लीजिएगा। पिज्जा टॉपिंग के लिए आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो आप पहले ही कट करके रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिया है। तवे पे पिज्जा बेस रखेंगे, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और फ्लेम को लो पे रखेंगे ताकि धीमी आँच पे पिज्जा बेस अच्छी तरह से पक जाए। एक साइड पे आँच ज्यादा आता है इसलिए पिज्जा बेस को इस तरह से हल्का हल्का घुमाना है ताकि पिज्जा बेस हर साइड से अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद पिज्जा सॉस लगाएंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। अब जो भी पिज्जा टॉपिंग्स आपने कट करके रखी है उसे अच्छे से असेंबल कर देंगे। प्याज और शिमला मिर्च को स्क्वायर में कट किया है, टमाटर को ट्रायंगल में कट किया और सारी चीज़ों को असेंबल करने के बाद चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। जो चीज़ मैंने घर पे तैयार किया था उसे ही मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ और आप चाहें तो इस तरह से स्क्वायर में भी कट करके डाल सकते हैं। स्क्वायर में कट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी लगता है। उसके बाद चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डालेंगे। अगर आपके पास ऑरिगैनो नहीं है तो कसूरी मेथी डालेंगे, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए बेक होने देंगे। जब हम सारी चीज़ों को असेंबल कर रहे थे टॉपिंग और चीज को तो गैस उस टाइम पे भी लो फ्लेम पे ऑन था, इसलिए ज़्यादा टाइम तक हमें नहीं इसे कुक करना है। 5 मिनट में ही चीज़ मेल्ट हो चुका था, नीचे से मैंने एक बार चेक कर लिया, अच्छी तरह से पक चुका है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व करके इंजॉय करेंगे, गर्मा गर्म पालक पिज्ज़ा। और यहाँ पे मैं आपको तवा भी दिखा देती हूँ। तवा भी बिल्कुल भी क्लीन है और पीछे से भी आपको एक बार चेक करवा दूंगी कि ये बिल्कुल भी जला नहीं था, अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट कुक हुआ था। अगर ये हेल्दी पालक पिज्जा रेसिपी आपने किसी भी गेट टुगेदर या पार्टीज में बना के अपने मेहमानों को खिला दिया तो वो रेसिपी पूछे बिना आपसे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर आपको मेरा आइडिया, रेसिपी या बताने का तरीका कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बना के ज़रूर खाइए क्योंकि होममेड इज़ बेस्ट। और रेसिपी को शेयर करिएगा उनके साथ जो आपको ये बना के खिलाने वाले हैं। देख रहे हैं ना ये चीज़ कितना चीज़ है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं बिना कोई प्रिजर्वेटिव्स और बिना कोई केमिकल्स के तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।